मेन चीज़ ये थी कि हम लोगों ने तीन चीज़ों को मॉडर्नाइज करना था। जब कंपनी अपनी नॉर्मल पुराने वाले इंजन से हटके क्लाउड पे शिफ्ट करती है तो तीन चीज़ों को मॉडर्नाइज करना था। पहला इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा बिजनेस प्लेटफॉर्म, तीसरा एप्लीकेशन। ये सब पहले से कंपनी के पास रन हो रहे थे, अब ये सबको मूव करना है हमें क्लाउड पे। तो उन्हीं के लिए हम लोगों ने काफ़ी एप्लीकेशन बनाए भी हैं। जो एप्लीकेशन बने हैं, जो गो क्लाउड के पास सोल्यूशन है ये सारी चीज़ों के लिए, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, गो क्लाउड ने ये सारी प्रॉब्लम्स के लिए सोल्यूशन बना के रखे हैं कि अगर आपके पास ये प्रॉब्लम है तो आप इसका इस्तेमाल कर लो, ये प्रॉब्लम है तो इसका इस्तेमाल कर लो। सारे सर्विसेज, सारे टूल्स उन्होंने बना के रखे हैं। अभी बस इस पर्टिकुलर वीडियो में उन्होंने सारी प्रॉब्लम्स बताई हैं जो आती हैं और क्लाउड कैसे मदद कर सकता है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। हे ऑल, इट्स सुबह आयुष एंड यार वेलकम टू ऑल इन दिस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट ऑफ गो क्लाउड डिजिटल लीडर। गो क्लाउड सर्टिफिकेशन में सबसे पहला फाउंडेशन सर्टिफिकेशन होता है गो क्लाउड डिजिटल लीडर। इसके ऊपर मैं फर्स्ट वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैं आपको चार कोर्सेज कंप्लीट करने होते हैं हम लोगों को इस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट का पेपर देने के लिए। ठीक है, उनमें से मैं आपको अभी फर्स्ट कोर्स को पढ़ा रहा हूं, उसमें फर्स्ट मॉड्यूल मैं पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, आज मैं सेकंड मॉड्यूल पढ़ाऊंगा। ठीक है, अगर आपको नहीं पता मैं किसकी बात कर रहा हूँ तो मैं रिकमेंड करूंगा प्लीज इसकी पहली वीडियोस देख लो जाके, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यार अगर सीक्वेंस में देखते हुए आओगे तो सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। तो यार गूगल क्लाउड डिजिटल लीडर के लिए गूगल हम लोग को खुद से पढ़ाता है। ठीक है, तो ये गूगल की रिसोर्सेज है, सारी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये चारों कोर्सेज हैं। ठीक है, इन चारों कोर्सेज में से जो पहला कोर्स है इस पर मैंने क्लिक करके इसको ओपन करके रखा है, इसमें पहली मॉड्यूल मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको पढ़ा दी थी, आज मैं सेकंड मॉड्यूल आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, और सेकंड मॉड्यूल थोड़ी बड़ी है तो इसकी मैं दो वीडियोस बनाऊंगा। अभी आज की वीडियो में जो फर्स्ट मॉड्यूल की क्विज थी वो मैं सॉल्व कराऊंगा आपको, उसके बाद यहाँ की तीन चार वीडियो समझाऊंगा और जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इसी पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में उसमें मैं सेकंड मॉड्यूल की बची हुई वीडियोस और सेकंड मॉड्यूल की क्विज सॉल्व कराऊंगा। सो यार आई थिंक सब कुछ क्लियर है, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, और यार मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि मैं पहले आपको शॉर्ट में इंपॉर्टेंट चीजें समझा देता हूँ, उसके बाद मेरे पढ़ाने के बाद आप इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को फिर से देख लेना। ठीक है, आप देख लेंगे तो आपको सारी चीजें एकदम अच्छे समझ में आ जाएंगी, उसके बाद आपको इसको ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले दो इंपॉर्टेंट चीज, इस पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना, और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इस पर्टिकुलर चैनल का टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है यार, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, फुल स्टैक डेवलपमेंट के बैचेस शुरू हो गए हैं जनवरी मंथ के न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पे, उन्हें आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, न्यूटन स्कूल जनवरी बैच इज लॉन्चिंग सून, क्लिक द लिंक द डिस्क्रिप्शन एंड कैंडिडेट रजिस्टर इफ यू वांट टू बिकम अ रॉकस्टार डेवलपर। बेस्ट पार्ट इज, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान समझिए, फीस आपको जॉब लगने के बाद ही देनी है, मतलब तब तक कोई फीस नहीं देनी जब तक आपकी मिनिमम गारंटी सीटीसी और 5 लाख की जॉब ना लग जाए। तो आपको फीस तभी देनी है न्यूटन स्कूल को अगर आपकी जॉब 5 लाख की लगे तो, अगर 5 लाख की जॉब ना लगे तो आपको 1 रुपए नहीं देना होता है। ठीक है, तो यार इस पर्टिकुलर फील्ड में न्यूटन स्कूल का काफी नाम है, वो काफी कॉन्फिडेंट है अपने इस प्रपोजल को लेकर। ठीक है, तो आप प्लीज उस पर्टिकुलर कोर्स को देख सकते हैं, अगर आपको पसंद है तो आप उसमें एनरोल कर सकते हैं, लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में है। तो फिर यार चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ, पहले फर्स्ट मॉड्यूल के सॉल्यूशंस मैं आपको दे देता हूं क्विज के, उसके बाद ये सब समझाता हूं। तो ये फर्स्ट मॉड्यूल की क्विज है, इस पे क्लिक करता हूं। ठीक है यार, तो इसे पास करने के लिए 80% मतलब 4 क्वेश्चन सही करने हैं आपको। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये था, विच ऑफ दिस बिजनेसेस फेल टू अडॉप्ट एज ब्रेकथ्रू टेक्नोलॉजी बिकम अवेलेबल। अगर आपने फर्स्ट मॉड्यूल देखी होगी तो इन्होंने दो बिजनेसेस की बात करी है, एक था वीडियो गेम वाला और दूसरा था बुक्स वाला, इंसाइक्लोपीडिया वाला। ठीक है, तो एक ये था सही आंसर और दूसरा था वीडियो रेंटल स्टोर्स वाला, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, इसको आपको ही सेलेक्ट करना है। अगर आपको नहीं पता कौन सी वीडियो में तो मैं आपको रेफरेंस भी दे देता हूँ, इस पर्टिकुलर वीडियो में उन्होंने बताया था फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। टेंसरफ्लो प्रोसेसिंग यूनिट्स इसमें 50 टाइम ज्यादा होता है, इसके बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो में बताया, इसे आके आप देख सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, और कंप्यूट पावर क्या होता है ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, एक कंप्यूटर की पावर कैसे वो डेटा को प्रोसेस करता है, तो इसके लिए ये वाला ऑप्शन है। उसके बाद एक क्वेश्चन था इनोवेशन वेव्स को लेके, तो मैंने इनोवेशन वेव्स के ऊपर आपको सप्लाई और डिमांड के बारे में बताया था। ठीक है, इनोवेशन वेव्स कौन सी, स्टीम इंजन, कंप्यूटर और आपका इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी, ये सब मैंने आपको पहली वीडियो में बताया है, तो उसका ये वाला ऑप्शन था, इसको सेलेक्ट कर लेना। और उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन एडवांटेज लेती है क्लाउड टेक्नोलॉजी का और सारी चीजों को, रिलेशनशिप को, अपनी कंपनी को रीडिफाइन करती है, फिर से बनाती है, एक तरह से क्लाउड पे शिफ्ट करती है, ठीक है, तो क्या होता है, कंपनी वाइड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, जो हम लोग के इस पर्टिकुलर कोर्स का नेम है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ही आपको सिखा रहे हैं। अगर कोई कंपनी पहले नॉर्मली काम कर रही थी, अब वो अपना पूरा काम को क्लाउड पे शिफ्ट कर दी है, तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होता है कंपनी का। तो ये था पांचवे वाले का सही आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट मॉड्यूल डिस्कस कर दिया है, अब मैं आपको सेकंड मॉड्यूल पढ़ाता हूं। सो यार कोर्स का नेम ये है, इस पर्टिकुलर मॉड्यूल की दो वीडियोस होंगी, ये फर्स्ट वीडियो है और जो इसके टॉपिक हैं जो मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ाऊंगा वो ये सारे हैं। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं।
एज कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन चेंज बिजनेस मॉडल्स मस्ट अडॉप्ट टू रिमेन रिलेवेंट द ट्रेडिशनल एडवांटेज ऑफ साइज एंड स्केल आर नो लॉन्गर हैव। सो यार इसका मतलब ये है कि मानो एक कंपनी बहुत बड़ी है और एक कंपनी छोटी है, ठीक है, तो जो कंपनी बड़ी है वो बड़ी क्यों, क्योंकि उसके पास पैसा ज्यादा है। तो जो बड़ी कंपनी है वो ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को डिप्लॉय कर सकती है, ज्यादा डेटा सेंटर को डिप्लॉय कर सकती है डेटा को रखने के लिए, और काफी चीजों में मतलब वो ज्यादा काम कर सकती है क्योंकि उसके पास पैसा ज्यादा होता है, ठीक है। और जो स्मॉल कंपनी है उसके पास इतना पैसा है नहीं, तो वो इससे अगर कंपीट करेगी स्मॉल कंपनी से लार्ज कंपनी तो काफी मुश्किल होगा उसको कंपीट करना। बट क्लाउड ने क्या किया कि क्लाउड सारा काम करेगा, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको बस क्लाउड पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन का वर्कफ्लो लाना है, ठीक है, बस अपनी कंपनी का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना है, फिर आप कितनी चाहे उतनी रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्केलेबिलिटी रिलायबिलिटी किसी भी चीज की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इससे क्या हो गया कि अब लार्ज कंपनी और स्मॉल कंपनी सेम लेवल पे आ गई, अब कोई ना बड़ा है ना कोई छोटा है। अब मैटर ये करता है कि कौन सी कंपनी कंज्यूमर की तरफ ज्यादा फोकस कर रही है, कौन सी कंपनी को कस्टमर पसंद आ रहा है, अब वो कंपनी चलेगी। अब यार ये मैटर नहीं करता कि आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप ज्यादा फायदा उठा लेंगे, ठीक है, अब पैसा मैटर नहीं करता, अब बस ये मैटर करती है कि कस्टमर आपके बारे में क्या सोचता है, ठीक है। द यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ क्लाउड टेक्नोलॉजी गिव्स लार्ज एंड स्मॉल कंपनीज इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर सक्सेस, जो मैंने आपको बताया, अब दोनों कंपनी बराबर है, अब बस फोकस करना पड़ेगा अपने काम को लेके और जो उनका पर्पस था उसको लेके कि वो क्यों एग्जिट करते हैं, क्योंकि क्लाउड ने सबके लिए बराबर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर दी है, मेनली कंपनीज के केस में। ऑर्गेनाइजेशंस नाउ नीड टू बी इनोवेटिव एजाइल फास्ट कस्टमर फोकस, ठीक है, तो अब जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे जो हमारे एप्लीकेशंस थे वो लोगों को ज्यादा फायदा प्रोवाइड करे, कोई वैल्यू प्रोवाइड करे, और वो चेंज करते रहे अपने हिसाब से, मतलब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती रहे उनका जो वर्कफ्लो है वो भी चेंज होता रहे, पुराने वर्कफ्लो पे ही ना चिपके रहे, ठीक है। तो अब इन सारी चीजों पे फोकस करना पड़ेगा, मेनली कस्टमर पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। द कल्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन एम्प्लॉइज, जितनी अच्छी कल्चर होगा किसी कंपनी का, जितना ज्यादा कंपनी के एम्प्लॉयज को छूट मिलेगी, जितना ज्यादा वो मतलब इनोवेटिव हो पाएंगे, उतनी ज्यादा कंपनी अब ग्रोथ कर पाएगी, ठीक है। इनोवेशन रिलाइज ऑन पीपल बीइंग एबल टू ट्राई थिंग्स एंड फेलिंग विदाउट जजमेंट, मतलब मेन चीज ये है कि जो कंपनी का एनवायरनमेंट होना चाहिए वो सही होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर किसी ने कुछ कर दिया वो नहीं हुआ तो फिर उसका मजाक उड़ाया जाए, ऐसा कुछ। और मेनली फोकस ये करना चाहिए जितना ज्यादा इनोवेट कर पाए कंपनी। और ये सब कैसे हो सकता है, तभी हो सकता है जब टीम्स अच्छे से स्ट्रक्चर्ड हो, कंटेंट अच्छे से मैनेज्ड हो, हाउ कम्युनिकेशन फ्लोस अक्रॉस एन ऑर्गेनाइजेशन आर ऑल एलिमेंट्स दैट इंपैक्ट इनोवेशन, कि कम्युनिकेशन कैसे फ्लो हो रहा है। सब कुछ ऐसा तो नहीं है कि बॉस ही देख रहा है, मतलब बॉस को ही करना है, ऐसे भी मतलब आदमी कितना फ्री है, कितना अपने हिसाब से चीजों को कर सकता है, ये बहुत मैटर करता है। और हम लोग भी अगर किसी कंपनी में काम करने का सोचते हैं तो हम लोग बेसिकली देखते हैं कि उसमें कुछ सीखने को मिल रहा है कि नहीं, जो बॉस है या चीजें हैं वो फ्रेंडली है कि नहीं, क्योंकि जब फ्रेंडली होगी तभी हम अपना बेस्ट दे पाएंगे, अगर मेरे ऊपर कोई बैठा है तो मैं अपना हिसाब से काम नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इनोवेशन में, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। और जब आप क्विज करेंगे सेकंड मॉड्यूल वाली तो ये सारी चीजें उसमें पूछी जाएंगी, ठीक है। तो ये बात हो गई, क्लाउड ने अपॉर्चुनिटीज दे दी है, स्मॉल और लार्ज कंपनी सेम लेवल पे आ गई है, ठीक है। अब जब कोई कंपनी सोचती है कि मुझे क्लाउड पे जाना है तो उन्हें तीन चीजों को बढ़ाना पड़ता है, पहले ओल्ड वाले सिस्टम के हिसाब से चल रहे थे, अब उन्हें टेक्नोलॉजी के हिसाब से आगे जाना पड़ेगा। तो जो तीन चीजों में काम करना है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस प्लेटफॉर्म और एप्लीकेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे, ये समझ लो, पहले क्या थे उनके पास सारे इंफ्रास्ट्रक्चर थे, मतलब उनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज थी जिसमें डेटा सेंटर थे, जिसमें डेटा रखा जाता था, तो एक तरह से बहुत सारी फैक्ट्री थी, फिजिकल लोकेशन की चीजें थी, ठीक है। और बिजनेस प्लेटफॉर्म कैसे, कि बिजनेस प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं कि जैसे मानो कि मैं कोई वेबसाइट हूं बट मैंने डेटाबेस में डेटा रखने के लिए किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के साथ कॉन्ट्री किया हुआ है, ठीक है, कि आपको इतना एक्सेस मिलेगा मेरा डेटा का, मतलब मेरी वेबसाइट पे जो लोग आएंगे वो आपके थ्रू अकाउंट बनाएंगे तो आपके डेटाबेस में ये सारी चीजें आएंगी, ठीक है। जो भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन थे उनसे हम कैसे कॉन्ट्री कर रहे हैं, जो बिजनेस प्लेटफॉर्म थे, ठीक है, तो उन्हें भी हमें बढ़ाना पड़ेगा, उन्हें भी हमें टेक्नोलॉजी के साथ मॉडर्नाइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज ये थी बिजनेस प्लेटफॉर्म का मतलब ये जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म के लिए। थर्ड चीज है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन सिंपली समझो जो एप्लीकेशन आप लोग मोबाइल में चलाते हो वैसे एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन होते हैं वेब वाले और मोबाइल वाले, ठीक है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन क्या होता है, कॉमन टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग लेगेसी हार्डवेयर एंड सिस्टम, जो पहले उनके पास फैक्ट्रीज थी, पहले जो उनके पास बड़े बड़े हार्डवेयर थे उनको हमें रिप्लेस करना है एंड कंसोलिडेटिंग देम इन द क्लाउड, और उन्हें मूव करना है, उनको शिफ्ट करना है क्लाउड पे, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडर्नाइजेशन होगा। पहले सारी फैक्ट्रीज थी तो अब डेटा सेंटर नहीं बनाने पड़ेंगे हम लोगों को, डेटा को स्टोर करने के लिए डेटा सेंटर नहीं बनाने पड़ेंगे, सब कुछ क्लाउड संभाल लेगा। और इसमें प्रॉब्लम क्या आती है ये समझो, मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस वांट टू ऑपरेट अ हाइब्रिड मॉडल,
ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस हाइब्रिड मॉडल को सपोर्ट करती है। हाइब्रिड मॉडल मतलब ये कि जैसे मानो मेरी कोई फैक्ट्री है ए, ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ एक पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर के साथ कॉन्ट्री नहीं किया, मैं AWS भी यूज कर रहा हूँ, मैं गूगल क्लाउड भी यूज कर रहा हूँ, मैं ऐसे काफी पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होती है, ये चीज़ होती है हाइब्रिड मॉडल, मतलब किसी एक के पास पूरा चीज़ नहीं होती है। बेस्ट यही रहता है कि किसी एक को ही सारी चीज़ें दे दो। जैसे मानो अगर आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, क्लाउड पे भेजना चाहते हैं, तो अगर किसी एक क्लाउड प्रोवाइडर पे आप भेजेंगे तो वो बेस्ट रहेगा, वो सिंपल भी रहेगा। बट लोग ऐसे करते हैं, हाइब्रिड मॉडल को सपोर्ट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। दिस मीन्स ऑपरेटिंग अक्रॉस मल्टीपल क्लाउड प्रोवाइडर और वन क्लाउड प्रोवाइडर कंबाइंड विद सम और ऑन प्रीमिसेस सॉल्यूशंस, ठीक है। यही मेन बेसिक चीज है कि लोग थोड़ा काम अपने जो डेटा सेंटर थे उनमें भी करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से तो हटा नहीं देंगे, अब जो बन गया वो तो है ही है, जो काम कर रहे हैं, तो थोड़ा काम इस पर भी करेंगे, थोड़ा काम क्लाउड पे करेंगे, थोड़ा काम किसी और दूसरे क्लाउड पे करेंगे, तो ये सारी चीजें थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, हाइब्रिड मॉडल को बनाती हैं, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए ये थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब क्लाउड पे अगर आ जाएंगे तो फायदा क्या होगा, अगर आप क्लाउड पे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ले आए तो फायदा ये होगा कि हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग इन ए कॉस्ट इफेक्टिव एंड स्केलेबल वे। इसका मतलब ये कि अब आप स्केल कर सकते हैं क्लाउड पे बिना किसी टेंशन के। रात के 3 बजे भी अगर एकदम से आपके यूजर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए, आपकी वेबसाइट पे आपके ऐप पे बहुत ज्यादा यूजर्स आ गए, तो क्लाउड अपने हिसाब से स्केलेबिलिटी देख लेगा, आपकी वेबसाइट हमेशा शो होगी, चाहे जितने यूजर्स हैं उस हिसाब से वो संभाल लेगी, ठीक है। और जब आप यूज करेंगे उसी का आपको पैसा देना होता है क्लाउड पे बेसिकली, तो स्केलेबिलिटी बहुत तगड़ी कर देगा क्लाउड, जितने भी लोग हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा ये, जब आप यूज करेंगे उतना ही आपको पैसा देना है, अगर लोग कमा रहे हैं तो आपको पैसा भी कम ही देना है, ऐसा नहीं कि पैसा कोई फिक्स देना होता है, ठीक है। विद क्लाउड कंप्यूटिंग बिजनेसेस कैन स्केल इन द क्लाउड एंड पे फॉर व्हाट दे यूज, मेन चीज वही है, जब आप यूज करेंगे तो आपको पैसा देना है, अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं तो आपको पैसा नहीं देना होता है, ठीक है। बिजनेसेस एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म, अभी तक बात हो रही थी इंफ्रास्ट्रक्चर की, अब बात होगी बिजनेस एप्लीकेशन की, ठीक है। इनेबल इंटीग्रेशन बिटवीन सिस्टम एंड ग्रांटिंग यूजर्स द करेक्ट एक्सेस प्रिविलेजेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड बियॉन्ड, ठीक है। गूगल का खुद का एक सिस्टम होता है जिसको हम लोग कहते हैं बिजनेस प्लेटफॉर्म, बिजनेस एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। ये क्या करता है कि जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं, थर्ड पार्टी जो भी प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रहा है आपका बिजनेस, उनके बीच में इंटीग्रेशन अच्छे से करवा देता है, ठीक है। तो गूगल क्लाउड पे अगर आप शिफ्ट करेंगे तो सारी चीजों को वो ऐसे संभालता है इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की मदद से, जिसको हम लोग बिजनेस एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म कहते हैं, इस पर्टिकुलर सर्विस की मदद से, ठीक है। और एक करता कैसे है, ये करता है API की मदद से। तो यार ऐसे मानो मेरी वेबसाइट है, अब कोई भी यूजर्स आके अगर साइन अप करता है तो मैंने वो जो भी डेटा वो डालेगा, ईमेल पासवर्ड जो भी वो डालेगा, तो उसे मैंने स्टोर कराने के लिए एक थर्ड पार्टी दूसरा एप्लीकेशन है कोई भी मान लो उसके साथ कॉन्ट्री करके रखा है, ठीक है। तो जब आप कॉन्ट्री करते हैं किसी और एप्लीकेशन से तो ये होता है API की मदद से, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। उसकी मदद से ही आप दूसरे एप्लीकेशन के साथ जुड़ते हैं, ठीक है, उनका डेटा लेते हैं, उन्हें यूज करते हैं अपने सिस्टम में। तो बिजनेस एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म के बारे में अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। इसके ऊपर काफी चीजें हैं। अब यूज किसका होता है, API का होता है, दोनों प्लेटफॉर्म को जोड़ने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए। सो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग इंटरफेस कॉमनली नोन एज APIs आर टेक्निकल टूल्स दैट इनेबल इंटीग्रेशन बिटवीन एप्लीकेशंस। दो डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन है, एक मेरी कंपनी का है, एक किसी और की कंपनी का है, तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे, API की मदद से। व्हाट इज एन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन क्या होता है, सिंपल समझ लो, इज वाइडली यूज्ड टू रिफर टू प्रोग्राम्स एंड सॉफ्टवेयर्स दैट इनेबल पीपल टू परफॉर्म वेरियस डिजिटल टास्क। कोई भी एप्लीकेशन आपके मोबाइल में, फेसबुक है तो वो भी एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, मतलब वो प्रोग्राम बनके, वो सॉफ्टवेयर बना के वो एप्लीकेशन बनाया गया है, ठीक है। वैसे टर्म्स में बोलेंगे तो उसको सॉफ्टवेयर ही बोलेंगे, हम लोग एप्लीकेशन बोलते हैं, तो वो भी सही है। मतलब एप्लीकेशन का मतलब यही है कि कोई डेस्कटॉप में आपके वेब ब्राउजर पे कोई एप्लीकेशन या आपके मोबाइल में एप्लीकेशन, वो सब एप्लीकेशन में ही आता है, ठीक है। टुडेज कस्टमर्स एक्सपेक्ट इंस्टेंट एक्सेस टू सर्विसेज व्हेरेवर दे आर An organization's ability to develop and launch application is central to their success in today's competitive market. ठीक है, आज के जो यूजर्स हैं वो चाहते हैं कि कहीं से भी, मतलब अगर मानो कि जो भी कंपनी है, मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ, कोई भी कंपनी अगर सिचुएटेड होती है मानो जैसे दिल्ली में, ठीक है, तो उसका जो डेटा सेंटर है अगर वो क्लाउड से जुड़ी है तो दिल्ली के लोगों को ही सबसे अच्छा अप टाइम मिलेगा, ठीक है, अप टाइम मिलेगा, सबसे अच्छा नेटवर्क मिलेगा, सब कुछ जो भी मिलेगा वो उन्हें सबसे अच्छा मिलेगा, कोई भी एप्लीकेशन कंपनी मान लो, ठीक है। बट अगर दिल्ली में लोग नहीं है, बाकी कोई यूजर्स उसको एक्सेस करना चाह रहा है श्रीलंका से, तो श्रीलंका में इतना अच्छा अप टाइम उसे नहीं मिलेगा उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को। और ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रीजन जोन ये सारी चीजें होती है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट यही मेन चीज है, यूजर कहीं भी हो सकता है, आपको अपने एप्लीकेशन को वहां तक पहुंचाना है और तगड़े अप टाइम के साथ। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपका सिचुएटेड है तो आपका अच्छा नेटवर्क आएगा, बाकी कहीं और सिचुएटेड है तो आपका एप्लीकेशन सही से काम ही नहीं कर रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक मेन रिक्वायरमेंट है आज के टाइम पे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंपनीज को डेवलप और लॉन्च करना पड़ेगा एप्लीकेशन को जल्दी से जल्दी, उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो तैयार कैसे रह सकते हैं, उसके लिए DevOps आता है, ठीक है। DevOps क्या होता है, डेवलपर रिलेशंस इज ए सेट ऑफ प्रैक्टिसेस दैट एम टू इंक्रीज सॉफ्टवेयर डिलीवरी वेलोसिटी।
वेलोसिटी, सॉफ्टवेयर डिलीवरी वेलोसिटी को इंक्रीज करता है। मतलब कैसे कि कोई आदमी अगर श्रीलंका में है जो आपके एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहा है, तब भी वो वैसे ही जाएगा, उस तक जल्दी पहुंचेगा, अप टाइम सेम प्रोवाइड करेगा। इंप्रूव सर्विस रिलायबिलिटी एंड बिल्ड शेयर्ड ओनरशिप अमंग सॉफ्टवेयर स्टेक होल्डर्स। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग अपने एप्लीकेशन को जिससे हर पर्टिकुलर यूजर तक पहुंचे, किसी भी यूजर को कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए हम लोग डेवऑप्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डेवऑप्स के ऊपर आपको अगर जॉब लेनी हो या डेवऑप्स को पढ़ते कैसे हैं, इसके ऊपर मैंने पाथ बना के रखा है, सर्टिफिकेशंस के ऊपर दो वीडियोस बना के रखी हैं, तो उसे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। डेटा इज नो लॉन्गर ओनली अबाउट रेट्रोस्पेक्टिव इनसाइट, रेदर रियल टाइम इनसाइट, स्मार्ट प्रेडिक्शंस एंड इंटेलिजेंट एक्शन। मतलब क्या, डेटा बस इसलिए नहीं होता है कि डेटा स्टोर कर लिया। पहले जो कंपनीज होती थी वो डेटा को बस स्टोर कर लेती थी, काम हो गया। अब क्या होता है कि डेटा को सिर्फ स्टोर नहीं किया जाता, डेटा के ऊपर रिसर्च करी जाती है, डेटा से इनसाइट निकाले जाते हैं। जैसे मानो मैंने कोई लिंक डाली है, ठीक है, अब मुझे ये चेक करना है कितने लोगों ने उस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक किया, कितने लोगों ने मेरी वीडियो कहाँ तक देखी कहाँ तक नहीं देखी। तो ऐसे हम लोग एनालिटिक्स में, जैसे यूट्यूब स्टूडियो में हम लोग एनालिटिक्स की मदद से एनालाइज करते हैं डेटा को, तो वैसे ही कंपनीज भी ऐसे ही करती हैं। जो भी डेटा आता है उन्हें रियल टाइम इनसाइट चाहिए। मतलब जैसे अभी किसी ने क्लिक किया तो अभी चेक करना है कब क्या हो रहा है, वो बंदा क्या कहाँ तक देख रहा है, वीडियो देख रहा है कि नहीं देख रहा है। तो ये सारी चीज़ें रियल टाइम इनसाइट चाहिए, और स्मार्ट प्रेडिक्शंस और इंटेलिजेंट एक्शंस, ये सारी चीज़ें जो स्मार्ट प्रेडिक्शंस और इंटेलिजेंट एक्शंस है, ये सारी प्रॉब्लम्स गूगल ने, गूगल क्लाउड ने दूर करी है। अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा इसके बारे में। ठीक है, विद द राइट प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइजेशंस कैन जनरेट इंस्टेंट इनसाइट्स फ्रॉम डेटा एट एनी स्केल। अगर सही प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया, जो कि यहाँ पे गूगल क्लाउड की बात हो रही है, जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो इंस्टेंट इनसाइट जनरेट कर सकते हैं डेटा से, और जो चाहे वो चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसके लिए काफी टूल है गूगल क्लाउड में। अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में पढ़ाऊंगा। मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और MLAI मीन यू कैन जनरेट इनसाइट्स फ्रॉम डेटा। इनसाइट्स कैसे जनरेट करेंगे डेटा से, MLAI की मदद से। ML में क्या होता है कि एक मॉडल होता है, मॉडल को हम लोग ट्रेन करते हैं। ट्रेन कैसे करते हैं, डेटा प्रोवाइड करके। तो वैसे ही हम लोग डेटा प्रोवाइड करेंगे और फिर मॉडल अपने प्रेडिक्शंस के हिसाब से हमें बताएगा कितना एक्यूरेट है कि नहीं। ठीक है, तो उससे हम लोग इनसाइट जनरेट करते हैं ML और AI की मदद से। डेटा कोई भी हो, पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो, ठीक है, एंड यू कैन ऑल्सो परसीव, प्रेडिक्ट, रिकमेंड एंड कैटेगराइज डेटा इन न्यू वेज। ठीक है, ट्रेडिशनली IT सिक्योरिटी मॉडल्स फोकस ऑन कीपिंग थ्रेट्स आउट। पहले क्या होता था, जो मॉडल्स होते थे, जो कंपनीज होती थी, वो थ्रेट्स को दूर रखने के लिए सब कुछ सेंट्रल रखते थे। सेंट्रल मतलब कि सब कुछ एक पर्टिकुलर आदमी के कमांड पे, सब कुछ उस पर्टिकुलर कंपनी के हाथ में है। ठीक है, सेंट्रली सारी प्रॉब्लम्स को, सेंट्रली सारी चीजों को देखा जा रहा है, अप्रोच किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है। ठीक है, दे बिल्ट ऑन प्रीमिसेस पैरामीटर, कंपनी की प्राइवेट सारी चीजें पहले बनती थी। ठीक है, दैट इंडिविजुअल्स रिक्वायर्ड एक्सेस टू इन ऑर्डर टू गेन एंट्री, और अगर कोई दूसरा उसे एक्सेस करना चाहता है तो कंपनी ही पासवर्ड जनरेट करती है जो उसी कंपनी के यूजर्स यूज कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में एंट्री ले सकते हैं, कंपनी की चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, दैट मॉडल वर्क्ड व्हेन ऑल हार्डवेयर एंड सिस्टम्स वर कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड सेंट्रली, और वो तभी काम करेगा जब सब कुछ सेंट्रली कंट्रोल किया जाता है। क्लाउड ने यही किया है कि सब कुछ अब सेंट्रली कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। ठीक है, दो चीजें हो गई है। अभी मैं आपको आगे ये भी पढ़ाऊंगा कि क्लाउड क्या है, कि वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और सब कुछ वो कंट्रोल करेगा, और किसको डेटा को एक्सेस देना है किसको नहीं देना है ये बस कंपनी कंट्रोल करेगी। तो इससे क्या हो गया, एक तरह से एक शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल उसको कहते हैं, एक तरह से कॉन्ट्री हो गई दोनों लोगों के बीच में कि भैया हम इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ देखेंगे, क्लाउड ने ये कह दिया, और तुम ये देखोगे, कंपनी ये देखेगी कि किसको एक्सेस देना है किसको नहीं देना है। तो यार ये अपनी पर्टिकुलर वीडियो थी, मैंने आपको इसमें ये चार सब टॉपिक बता दिए। इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें बाकी बचे हुए टॉपिक और सेकंड मॉड्यूल की क्विज मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो यार ये अपनी वीडियो थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर बीइंग एन ऑसम लिसनर। और यार इस पर्टिकुलर वीडियो को रैप अप करते हैं, उससे पहले दो इंपॉर्टेंट चीज, न्यूटन स्कूल की वेबसाइट से लॉन्च पैड इंस्टीट्यूट को चेकआउट करना मत भूलना, उससे आप अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसे आप चेकआउट कर सकते हैं न्यूटन स्कूल की वेबसाइट से। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, न्यूटन स्कूल का फुल स्टैक डेवलपर का जो कोर्स है उसके इन्वॉल्वमेंट सभी चल रहे हैं, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो यार इस वीडियो को रैपअप करते हैं, चैनल पर नया होना तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं।